2019 में आई एक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है भूत द हॉन्टेड शिप, आपने देखी होगी। माना जाता है कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज हम उसी कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में और मैं आपके लिए फिर ले आया हूँ एक मनोरंजक कहानी। तो जिस तरह मूवी में दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा शिप सी बर्ड नाम का जुहू बीच पर रहस्यमय तरीके से आ जाता है, लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं कि इतना बड़ा शिप उस बीच पर कैसे आ गया। जब विकी कौशल, जो कि पृथ्वी नाम के एक सर्वे करने वाले का किरदार निभा रहे हैं, वो शिप के अंदर जाते हैं, तब वो वहाँ जो देखते हैं, जो उनके साथ होता है, वो कल्पना से परे है। उस शिप पर कोई इंसान नहीं होता और उन्हें वह परछाइयों और आत्माओं के होने का आभास होता है। ये तो थी मूवी की कहानी जो हमें नाटकीय रूपांतरण करके दिखाई गई। दरअसल हमें इससे मिलती जुलती दो सच्ची घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। पहली घटना है एमवी विजडम नाम के एक बहुत बड़े शिप की, जो इसी तरह 2011 में जुहू बीच पर अचानक आ गया था। इस शिप को देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। फिर इस शिप को 20 दिनों के बाद बड़ी मेहनत से फिर से पानी में ले जाया गया और भावनगर गुजरात के एक कबाड़ खाने की तरफ भेज दिया गया। दूसरी घटना हमें सुनने को मिलती है 1750 में अमेरिका की ईस्टर्न बीच से, जो कि रोड आइलैंड पर स्थित है। यहाँ एक बड़ा सा कार्गो शिप आकर रुका, जिसके अंदर छानबीन कर पाया गया कि शिप में कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। शिप की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे उसमें कई लोग अचानक गायब हो गए हों। वहाँ पाया गया कि चाय की केतली में पानी है, सिगरेट के टुकड़े यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, खाने का सामान भी इस तरह व्यवस्थित दिख रहा था मानो कि कुछ समय पहले यहाँ काफ़ी लोग हों। सबको यही हैरानी हो रही थी कि सब लोग अचानक गायब कैसे हो गए। शिप पर कोई लूट मार के सबूत भी नहीं मिले। बेहद हैरान करने वाली बात तो यह है कि शिप मिलने के एक हफ्ते बाद वो शिप अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। और भी छानबीन और पड़ताल करने के बाद ये पाया गया कि उस शिप के जो कैप्टन थे जॉन तुरहम, वो कभी अपने घर उसके बाद लौटे ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी वो दो सच्ची घटनाएं जिन पर आधारित ये मूवी थी। यदि आपने ये मूवी देखी है तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये मूवी और आपको कैसा लगा इन कहानियों के बारे में जानकर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की कहानी में मज़ा आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।